देखो तो बॉयज एंड गर्ल्स पहला चैप्टर कौन सा चैप्टर था ये? पहला क्लास 12 बंगाल बोर्ड का पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड में क्या है? पहला चैप्टर है बाबू इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन ऑफ क्या बाबू? मैनेजमेंट। तो क्या इसका बुक आप दे दीजिएगा? देंगे आपको, सब चीज का बुक देंगे। इसका बुक अभी नेट का प्रॉब्लम के कारण आपको दिखा नहीं पा रहे बुक, बात समझे? तो इंट्रोडक्शन पहला टॉपिक क्या बाबू? इंट्रोडक्शन। मोबाइल मच रहे प्लीज। तो इंट्रोडक्शन कितना मार्क्स कर करेगा आपको एग्जाम में? आपका 5 मार्क्स। कितना मार्क्स बोलो? 5 मार्क्स। तो ये 5 मार्क्स का पहला चैप्टर से पूरा का पूरा एमसीक्यू और एसएक्यू आएगा बंगाल बोर्ड वालों, सुन लो। क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन, हाउ मच मार्क्स इट कैरीज, ये कितना मार्क्स कवर करता है? ये चैप्टर 5 मार्क्स कवर करता है। इससे क्या आता है? इससे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, इससे सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम में क्या आएंगे? एमसीक्यू और एसएक्यू। सिर्फ सुनिएगा और समझिएगा भाई और बहनों, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहला वर्ड है कि मैनेजमेंट क्या होता है। क्लास 11 में जो आपने पढ़ा वो बिजनेस स्टडीज था, और क्लास 12 में जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो बिजनेस स्टडीज नहीं। तो सर बी एस टी डी तो पढ़ रहे, सब्जेक्ट का नाम है खाली बिजनेस स्टडीज, एक्चुअली टॉपिक का नाम है मैनेजमेंट स्टडीज। खाली मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाई कर रहे हो आप। किसके बारे में पढ़ो बाबू? मैनेजमेंट। खाली मैनेजमेंट, मार मैनेजमेंट, हर चैप्टर में ही मैनेजमेंट। भाई और बहनों प्यार से एकदम सुनोगे, शिद्दत से समझोगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे थे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला टॉपिक बाबू क्या है? मैनेजमेंट क्या होता है? तो मैनेजमेंट जो है ना, मैनेजमेंट जो ये दो वर्ड से बना, कितना वर्ड से बना बाबू? दो। हेलो, कितना वर्ड बोले? मैनेजमेंट दो वर्ड से बना है, एक है मैनेज और दूसरा है मेंट। एक क्या बोलो? manage. दूसरा manage. एक manage. दूसरा सुनाई नहीं दे रहा। एक manage. दूसरा manage. एक manage. दूसरा manage. इस चैप्टर से तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही नहीं, चैप्टर खत्म होगा आपका मार्क्स कवर रहेगा। आपको एक्स्ट्रा कुछ मेहनत ही नहीं करना, सिर्फ सुनना है, समझना और चिल्लाना है और चीखना है मेरे साथ। जल्दी बोलिए, मैनेजमेंट कितने पार्ट में डिवाइडेड है बताइए? बोलो ना, कम ऑन। पहला क्या? मैनेज। दूसरा मेंट। पहला मैनेज। दूसरा मेंट। पहला मैनेज। दूसरा मेंट। पहला मैनेज। दूसरा मेंट। मैनेज का मतलब चलाओ ना, क्या बाबू? चलाओ बिजनेस का बात हो रहा। और मेंट का मतलब यूजिंग द मेन। इसका मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए, जब हम लोग बिजनेस को चलाना सीखेंगे मेन के हेल्प से, मेन मतलब यहाँ पे मेन का मतलब लड़का नहीं, यहाँ पे मेन का मतलब पुरुष नहीं, यहाँ पे मेन का मतलब लोग। तो व्हेन यू रन द बिजनेस यूजिंग द पीपल, दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। आप क्लास 11 में बिजनेस के बारे में पढ़े थे, क्लास 12 में आप ये पढ़ोगे कि बिजनेस को चलाते हैं कैसे। क्लास 11 में आपने क्या पढ़ा कि बिजनेस होता क्या है? क्लास 12 में आप पढ़ रहे हो बिजनेस को चलाते कैसे है। तो भाइयों और बहनों मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया? इट सिंपली मींस मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को चलाऊ ना बाबू, बिजनेस को चलाऊ। तो आपसे अगर मैं पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट, तो आप क्या बोलिएगा? मैनेजमेंट मींस मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को चलाना। मैनेजमेंट सिंपली मींस रनिंग द बिजनेस, बिजनेस को चलाओ ना बाबू, बिजनेस को चलाओ। तो बिजनेस को चलाना हम लोग कहां सीखेंगे बताइए? मैनेजमेंट कहां सीखेंगे बताइए? तो आपसे अगर पूछेगा मैनेजमेंट क्या है तो क्या बोलोगे? मैनेजमेंट मतलब बिजनेस को बनाना कि चलाना? सिर्फ बोलो चलाना। यस, बनाना कि चलाना? चलाना कि बनाना? बनाना कि चलाना? यस। तो बिजनेस को चलाना कौन सिखाता है? मैनेजमेंट कौन सिखाता है बताइए? बिजनेस क्या होता है वो तो 11 में पढ़ा दिया, बिजनेस को चलाते कैसे है बताइए, कौन बताएगा? मैनेजमेंट। बोलो ना प्लीज, बोलो। यस, देखिए माय डियर स्टूडेंट, बोलेंगे नहीं तो आपको शब्द याद नहीं होगा। और मान लीजिए आप जैसे आप अचानक से किसी के बारे में सोच रहे हो पढ़ते पढ़ते, जैसे चिल्लाएंगे आपका ध्यान खुल जाएगा, बोले पापा हम भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो भाई मैंने देखो, अच्छा मैनेजमेंट के पापा कौन है? मैनेजमेंट का पिताजी कौन है? पिता जी कौन है? 11 से जुड़े का कोई लिंक नहीं, ध्यान से सुनिएगा। मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है ना बाबू, मैनेजमेंट जो क्या है? सब्जेक्ट है ना बाबू, मैनेजमेंट जो क्या है? सब्जेक्ट। तो मैनेजमेंट को एक सिंपल लैंग्वेज में पहले डिफाइन कर देते हैं। मैनेजमेंट को सिंपल लैंग्वेज में हम बोलते हैं, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन बाय द अदर्स। मतलब मैनेजमेंट का मतलब होता है काम को करना, काम को करना। बताइए इस बार पूरे स्टार्टिंग से ही आप लोगों का ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में क्लास है, तो आप देखते हो कि जो भी क्लास होता है सब व्हाट्सएप में हम आपको भेज देते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि सब क्लास व्हाट्सएप में आ जाएगी, धीरे धीरे क्लासेस ऐप में चले जाएगी, कोचिंग का ऐप है उसमें चले जाएंगे। बट क्या आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में सुविधा होगा, इसलिए उसको हम लोग अच्छे से ऑर्गेनाइज करके इस बार हर एक जगह पे फोल्डर बना के रख दे रहे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप एब्सेंट मार दीजिएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास हो रहा है, तो आप आराम से ध्यान से सुनिए, समझिए, पढ़िए, सीखिए और चीजों को जानने का कोशिश करिए स्टार्टिंग से। तो भाई लोग बहनों मैनेजमेंट कितना वर्ड से बना? बोलो ना, बोलो, बोलिए। यस, मैनेजमेंट दो वर्ड से बना, मैनेज और गेट बंद कर दी, दो बोला गेट बंद कर दी, हर सब गेट बंद कर दी, ठीक है। क्या है? एक ही चीज है, वो समझ गया, वो बंद कर दी।
मैनेजमेंट कितना वर्ड से बना हुआ? मैनेजर, सुनाई दे रहा, तब से एक ही वर्ड पढ़ा है, मैनेजर। मैनेजमेंट का मतलब बिजनेस को रखना, बनाना या चलाना। अच्छा, मैनेजमेंट अपने आप चलेगा ना लोगों की मदद से, अकेले तो बिजनेस को नहीं चलाओगे। बिजनेस को चलाने के लिए क्या चाहिए? लोग, भाई और मानो मैनेजमेंट के दो पापा है, कितने पापा है? दो। बताइए तो आज तुम लोग का इंटरनेट ही काम नहीं कर रहा हम लोग एरिया में, बस तो आपको उसका चेहरा भी दिखा देते। आज मजबूरी है कि कुछ दिखा नहीं पा रहे, आपको कुछ बता भी नहीं पा रहे, आज से पढ़ा पा रहे हैं। भाई और बहनों कोई बात नहीं, फोटो अगला दिन देख लेंगे, आज नाम बता देते हैं। मैमिन के पापा दो है, ओ माई गॉड, मैमिन के कितने पापा है? दो। हाउ मेनी फादर्स ऑफ मैनेजमेंट? सर कैसा बात है सर, दो दो पापा है? गलत मत समझिए, सब्जेक्ट में बोला जाता है ऐसे, बोलने के लिए होता है दो पापा है। एक पापा का नाम है जनरल पापा, जनरल पापा, और एक है साइंटिफिक पापा, साइंटिफिक फील करो ना। एक कौन सा पापा? जनरल पापा। दूसरा कौन सा पापा? साइंटिफिक पापा। एक कौन सा पापा? दूसरा एक दूसरा साइंटिफिक। यस, जनरल फादर ऑफ मैनेजमेंट है, उसका नाम है हेनरी फ्योल। ये क्वेश्चन हर साल बंगाल बोर्ड दे ही देता है, बंगाल बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिए बिना उसको नींद नहीं आएगा। Who is the father of management? जल्दी बोलिए। हेनरी फ्योल। Who is the father of management? Who is the father of management? मैनेजमेंट का पापा कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? Yes, a scientific father है, उसका नाम है F.W. Taylor. Sorry, उनका नाम है F.W. Taylor. जल्दी बताइए मैनेजमेंट के पापा कितने हैं? बोलो ना। हेनरी फ्योल और क्या बाबू? F.W. Taylor. Who is the father of management? हेनरी फ्योल। अगर आपसे पूछेगा हु इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट? हेनरी फ्योल। हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? F.W. Taylor. हु इज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट? हेनरी फ्योल। क्वेश्चन को समझिए, खाली चिल्लाने से नहीं होगा। बताइए हु इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट? हेनरी फ्योल। हु इज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट? हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? खाली एमसीक्यू तो चैप्टर से एमसीक्यू आएगा और ऐसे क्यों आएगा बस, तो इसीलिए आपको सिर्फ पढ़ेंगे सुनेंगे समझेंगे तो आएगा। जल्दी देख मैनेजमेंट कितना वर्ड से बना? मैनेजर। मैनेजमेंट का मतलब क्या? बिजनेस को रखना है चलाना, चलाना। बोल बोलो चलाना। और मैनेजमेंट का पापा कौन है? तो देखिए ये सवाल अगर कोई आपसे पूछता है तो उससे पहले आप एक सवाल पूछिए कि मैनेजमेंट का कौन सा पापा का बात कर रहे बाबू? एक तो जनरल वाला पापा है, एक तो साइंस वाला पापा है। जनरल वाला पापा का नाम क्या है? साइंस वाला पापा का? साइंस वाला पापा का? तो हु इज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट? हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? F.W. 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 तो F.W. Taylor को साइंटिफिक फादर ऑफ मैनेजमेंट हम लोग कहते हैं, और जनरल फादर ऑफ मैनेजमेंट कौन है बताइए? क्लियर है गाइस? अब चलते हैं मैनेजमेंट का फीचर्स में, मतलब मैनेजमेंट में साइंस का कॉन्सेप्ट जिन्होंने दिया था उनका नाम था F.W. Taylor. फीचर्स, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। बाबू फीचर्स बोलिए चाहे नेचर बोलिए, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया क्लास स्टार्ट करने में आज। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, आप फीचर्स बोलिए चाहे नेचर बोलिए चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स बोलिए, एक ही चीज होता है, डर मत जाना। आप एक बंगाली वर्जन में हो, इंग्लिश वर्जन में हो, हिंदी वर्जन में हो, डज नॉट मैटर, लेकिन आपको वही है। तो हु इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा दिए, मैनेजमेंट क्या होता है वो पढ़ा दिए। मैनेजमेंट सिंपली मींस बिजनेस को चलाना, बिजनेस को विद द हेल्प ऑफ मेन, मेन मतलब लोग, मेन मतलब मेन मतलब लड़का की लोग, यहाँ पे मेन मतलब पुरुष नहीं, यहाँ पे मेन का मतलब लोग। तो बिजनेस को जब हम लोग चलाते हैं लोगों की मदद से तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? मैनेजमेंट। तो भाई और बहनों कोचिंग का बुक जैसे एडिटिंग हो जाएगा तो आपको ग्रुप में भी भेज देंगे ऑनलाइन वालों, आप लोग ऑर्डर भी कर सकते हो, आपका घर में पहुंच जाएगा बुक। और आप लोग जो कोचिंग में आते हो आप लोग यहीं से ले लेना। तो जो बुक में पॉइंट है वही पॉइंट्स हम यहाँ पे बोर्ड पर लिख रहे हैं, आपको दिखा नहीं पा रहे बिकॉज आज नेट काम नहीं कर रहा इसीलिए। तो हम यहाँ पर जो जो पॉइंट है आपके हम लोग के बुक में वही पॉइंट हम लिखा के आपको समझा देते हैं। आप पॉइंट लिखना मत, हाँ आप क्या लिखना, देखो आपको कुछ लिखना नहीं सिर्फ सुनना है। एमसीक्यू तो लॉन्ग क्वेश्चन है तो बोले थोड़ा लिख लीजिए, पेन पेंसिल लेके बैठिए, अभी कुछ लिखना नहीं सिर्फ सुनना है। जो जो बुक में पॉइंट है वही पॉइंट आपको बता रहे। पहला पॉइंट बुक में दिया हुआ है गोल ओरिएंटेड। गोल माय डियर स्टूडेंट, इसका मतलब होता है कि मैनेजमेंट बिना गोल का नहीं होता है। गोल मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट जब आप करते हो, बिजनेस को चलाते हो तो क्या चलाते हो? कोचिंग चलाने का तरीका अलग होगा, स्कूल चलाने का तरीका अलग होगा, कॉलेज चलाने का तरीका अलग होगा, बस समझ, क्रिकेट के मैदान को चलाने का तरीका अलग होगा। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक गोल होता है। और कोई भी बिजनेस जब हम लोग कोई भी बिजनेस जब हम चलाते हैं तो किसके हिसाब से चलाते हैं बताइए? गोल। तो एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ओन गोल, बिना गोल का बिजनेस चलता नहीं, याद रखिएगा। तो गोल नहीं होगा तो बिजनेस भी नहीं चलेंगे। तो कोई भी बिजनेस जो हम लोग चलाएंगे उसमें क्या होना चाहिए? वो गोल होना चाहिए। अगर आपके जिंदगी में गोल नहीं है, अगर आपके बिजनेस में गोल नहीं है तो आपका जिंदगी क्या है? उस लोटा की तरह। लोटा समझते हो? कहां सब लोग का इंटरनेट होता था, आपको लोटा भी दिखा देते। माय डियर स्टूडेंट लोटा समझते हो? लोटा,
अरे लोटा जिसे पानी पीते है, लो आप लोग घर में लोटा नहीं है क्या? जिसे पानी पीते हैं, क्या है शराब है क्या बोल रहे हो? तो लोटा, लोटा में क्या होता है? अगर लोटा में, अगर आपका जिंदगी में गोल नहीं रहेगा ना, तो आपका जिंदगी बिन पेंदी का लोटा, एक ऐसा लोटा का रहेगा जो कभी इधर कभी कभी इस तरफ कभी कभी इसका पीछे कभी इसका पीछे, बिना गोल वाले जो इंसान होते हैं ना, वो लोग ऐसे ही होते हैं। पानी वाला जहाज देखे हो? नहीं देखे हो, अगर नेट रहता तो आपको भी दिखा देते। तो पानी वाला जहाज में क्या होता है आपको? पानी वाला जहाज में एक मशीन होता है, उसका नाम है रडार। क्या नाम है बाबू? रडार। उस मशीन का खूबी यह होता है माय डियर स्टूडेंट्स, कि उस मशीन में अगर मान लीजिए वो मशीन नहीं रहेगा ना, वो मशीन नहीं रहेगा, वो मशीन नहीं रहेगा ना, तो जहाज कभी इधर कभी कभी इस पार कभी उस पार। वैसे ही हर एक बिजनेसमैन का एक गोल होना जरूरी। तो जब एक आदमी मैनेजमेंट करता है, मैनेजमेंट शुड ऑलवेज बी डन विद द हेल्प ऑफ फॉर द स्पेसिफिक गोल। मैनेजमेंट जब भी हम लोग करते हैं फॉर स्पेसिफिक गोल, हर एक मैनेजर का अपना एक स्पेसिफिक गोल होता है, उस गोल के लिए ही हम लोग बिजनेस को चलाते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कि मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड है। क्यों है गोल ओरिएंटेड? बिकॉज इट हैज इट्स ओन स्पेसिफिक गोल। गोल मतलब ऑब्जेक्टिव, गोल मतलब ऑब्जेक्टिव, गोल मतलब ऑब्जेक्टिव। पॉइंट वाले बोलो। अगला पॉइंट है बाबू परवेसिव। ये तो बाबा समझिए मैनेजमेंट के दुनिया का फेवरेट वर्ड है। जैसा लिखना पड़ा हम लोग पीडीएफ रहता तो लिखना नहीं पड़ता। परवेसिवनेस आप लिखना पड़ता भी प्लीज ऑनलाइन वालों, आप लोग सभी को बोल रहे हैं। परवेसिवनेस, परवेसिवनेस का मतलब क्या होता है? ये वर्ड बार बार ध्यान से सुन लीजिए, बार बार मैनेजमेंट जब जब पढ़िएगा ना, तब तब ये वर्ड आएगा। क्या वर्ड बताइए? परवेसिवनेस। क्या बोलो? परवेसिवनेस का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? देखिए परवेसिव का मतलब होता है कोई ऐसा जगह नहीं है जहां मैनेजमेंट नहीं है, और जहां मैनेजमेंट नहीं है वैसा जगह ही नहीं है। परवेसिव को सिंपल इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल एप्लीकेशन। मैनेजमेंट इज हैविंग यूनिवर्सल एप्लीकेशन। मैनेजमेंट हर जगह पाया जाता है, कोई ऐसा जगह नहीं है जहां मैनेजमेंट नहीं है, जहां मैनेजमेंट नहीं है वैसा जगह ही नहीं है। आपको हम एक तो होमवर्क देते हैं, आप घर जाकर के गूगल में सर्च मार लीजिएगा, कोई भी ऐसा जगह बताइए जहां पे मैनेजमेंट नहीं पाया जाता है। कोई ऐसा जगह नहीं है दोस्तों जहां मैनेजमेंट नहीं है, हर जगह मैनेजमेंट होता है। कुछ ही पढ़ा रहे आपको, ये मैनेजमेंट के साथ पढ़ा रहे। आपका घर में मैनेजमेंट होता है तभी आप टाइम से स्कूल जा पाते, टाइम से ट्यूशन जा पाते। अगर मैनेजमेंट नहीं होता तो घर में, मैनेजमेंट अगर नहीं होता आपके घर में, तो टाइम से ना स्कूल जा पाते ना ट्यूशन जा पाते, ना आपका कुछ भी चीज टाइम से नहीं होता। बस समझे, क्रिकेट के मैदान में मैनेजमेंट होता है, फुटबॉल के ग्राउंड में मैनेजमेंट होता है, शादी ब्याह में मैनेजमेंट होता, नहीं होता मैनेजमेंट तो क्या? जिसे तैसे जो तो आदमी जाएगा खा पी के आ जाएगा। हर चीज में मैनेजमेंट होता है, कोई ऐसा चीज जिसमें मैनेजमेंट, जिसमें मैनेजमेंट वैसा चीज, कोई ऐसा चीज जिसमें मैनेजमेंट, जिसमें मैनेजमेंट नहीं वैसा चीज नहीं। थोड़ा इंग्लिश में बोल दे रहा आपको। व्हाई मैनेजमेंट, एक मार्क्स में पूछेगा व्हाई मैनेजमेंट इज परवेसिव। तो मैनेजमेंट इज सो कॉल्ड परवेसिव बिकॉज इट इज हैविंग द यूनिवर्सल एप्लीकेशन। मैनेजमेंट को परवेसिव क्यों बोलते हैं? परवेसिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका कैसा एप्लीकेशन है? यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। कैसा एप्लीकेशन है बोलो? मैनेजमेंट इज सो कॉल्ड परवेसिव बिकॉज इट हैज यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ये हर जगह पाया जाता है, कोई ऐसा जगह जहां मैनेजमेंट, जहां मैनेजमेंट वैसा जगह। आपको पूरा घूर फिर के एक ही वर्ड बोला था, नहीं है। कोई ऐसा जगह नहीं जहां मैनेजमेंट नहीं, जहां मैनेजमेंट नहीं है वैसा जगह ही नहीं, बिकॉज मैनेजमेंट इज हैविंग यूनिवर्सल एप्लीकेशन। मैनेजमेंट कण कण में, हर व्यक्ति में, हर जगह, हर मोमेंट में मैनेजमेंट है। आप अपना बाबू को प्रपोज कर रहे हो उसमें भी मैनेजमेंट है। बाबू आपको गुलाब फूल दिया उसमें भी मैनेजमेंट है। बस दे बाबू आपका चिट्ठी एक्सेप्ट कर लिया इसमें भी मैनेजमेंट है। क्या चीज में मैनेजमेंट नहीं आप बताइए ना, समझ ना? हर चीज में मैनेजमेंट है बाबू, कोई ऐसा चीज नहीं है जिसमें मैनेजमेंट नहीं। तो बताइए मैनेजमेंट कहां पाया जाता है? स्कूल के मैदान में, क्रिकेट के ग्राउंड में, फुटबॉल के मैदान में, ट्यूशन में, स्कूल में, हर जगह, एवरीवेयर, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हर जगह मैनेजमेंट होता है। आपके घर में मैनेजमेंट है, हर जगह मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट नहीं होता तो आप अपना गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। हर जगह मैनेजमेंट है। तो आपका पूछेगा मैनेजमेंट कहां पाया जाता है? हर जगह मैनेजमेंट पाया जाता है। तो मैनेजमेंट इज फाउंड एवरीवेयर, सो इट इज कॉल्ड परवेसिव। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बाबू बताइए? परवेसिव। तो मैनेजमेंट को लोग परवेसिव क्यों बोलते हैं बताइए? मैनेजमेंट को लोग परवेसिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट इज हैविंग द यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ये कहां पाया था बाबू? हर जगह। कहां पाया था बोलिए? इसीलिए मैनेजमेंट को लोग परवेसिव बोलते हैं बिकॉज इट इज हैविंग यूनिवर्सल एप्लीकेशन। क्योंकि इसका कौन सा एप्लीकेशन है? यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब हर जगह। कहां है बाबू बोलो? हर जगह। अगला है माय डियर स्टूडेंट मल्टी डायमेंशनल। अगला पॉइंट जो बुक में है, आप बार बार बोले लिखिए मत, डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है?
भाइयों बहनों मल्टी डायमेंशन का मतलब होता है मैनेजमेंट कोई एक चीज का नहीं होता है। आदमी के काम को मैनेज करते हैं, लोगों को मैनेज करते हैं, और मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। वर्क मतलब काम, पीपल मतलब लोग, और ऑपरेशन मतलब बिजनेस का डेली एक्टिविटी। तो मैनेजमेंट को हम लोग मल्टी डायमेंशन बोलते हैं। मल्टी मतलब मेनी, मेनी मतलब होता है बहुत ज्यादा, और डायमेंशन मतलब एरिया। तो मैनेजमेंट बहुत सारे एरियाज को कवर करता है, इसीलिए मैनेजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, मल्टी डायमेंशन। क्या बोलते बोलो ना, कमॉन। तो मैनेजमेंट इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशन। व्हाई? बिकॉज इट हैज मल्टीपल एस्पेक्ट्स। मैनेजमेंट को हम लोग मल्टी डायमेंशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका बहुत सारा एस्पेक्ट्स होता है, बहुत सारे जगह पर ये पाया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, मल्टी डायमेंशन। बोलो क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते, बोलिए। तो जल्दी बताइए, तीन पॉइंट अभी तक बताए। अच्छा, चौथा पॉइंट है बाबू, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। ये सब एक मार्क्स के लिए ही आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। अगला पॉइंट, जैसे जैसे बुक में मेरा लिखा हुआ वैसे वैसे लिखते रहे यहाँ पे। कंटिन्यूअस एक्टिविटी, कंटिन्यूअस एक्टिविटी मतलब जैसे आपका दिल, आपका दिल कभी कभी धड़कता है या हमेशा धड़कता है, बोलिए। हमेशा धड़कता है, आपका दिल हमेशा धड़कता है, वैसे ही मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी। अच्छा, जैसे हम लोग का दिल धड़कना बंद हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, मर गए हम लोग। क्या हो गया बाबू, मर गए। अगर दिल धड़कना बंद हो गया मतलब आप मर गए। लेकिन झूठ बोलते हैं वो लोग, जैसे जो लोग निपानी भी होते हैं, वो लोग क्या करता है, अपना बाबू को मैसेज करता है कि बाबू मैं दिल आपके लिए धड़क रहा हूं। फुल निपानी भी, आप लोग ऐसा नहीं ना करते बाबू, प्लीज ऐसा मत करना, करते मतलब आपको हाइड कर देना, ठीक है, ठीक है, ऐसा मत करो। आप लोग बोले कि आप लोग क्लास 12 में आ गया, अगला साल कॉलेज। देखिए, हंसते खेलते 11 खत्म हो गया, हंसते खेलते 12 भी खत्म है, कोई छाप नहीं। पढ़ाई कॉमर्स लिए है तो इसलिए कॉमर्स लिए ही इसलिए कि हंसी मैक करके पढ़ाई कंप्लीट है, बात समझे। अगर साइंस ले लेते तो थोड़ा अलग बात होता, अलग लेवल पे एफर्ट देना पड़ता। कॉमर्स में उतना चाप नहीं, कॉमर्स को मौज करके पढ़ाई करिए, 80-90% लेके आए हंस के। कैसे बाबू, हंस के, ऐसे हंस के एग्जाम दो, 80% आएंगे, बात समझे। जल्दी बताइए, आपका दिल कभी कभी धड़कता है हमेशा? अगर दिल धड़कना बंद हो जाएगा तो क्या हो जाओगे, जिंदा रहोगे कि मर जाओगे? ठीक उसी तरह से एक बिजनेस का हार्ट बीट होता है मैनेजमेंट। अगर आप मैनेजमेंट करना बंद, मतलब बिजनेस खत्म। द मोमेंट यू स्टॉप डूइंग द मैनेजमेंट, योर बिजनेस इज राइट। आप अगर मैनेजमेंट करना बंद कर देंगे तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। तो मैनेजमेंट एक कैसा प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसे नहीं आज मैनेज किया कल मैनेज नहीं करेंगे। मैनेजमेंट अगर करना है बिजनेस में, अगर बिजनेस को चलाना है तो रेगुलर चलाना है, सिस्टम से चलाना है, पैटर्न से चलाना है, तभी जाकर के आप अपना गोल को अचीव कर पाइए। अब एक दिन बिजनेस चलाइएगा, दूसरा दिन बिजनेस नहीं चलाइए, ऐसे नहीं हो। इफ यू वॉन्ट टू कंटिन्यू द बिजनेस, यू हैव टू रन इट रेगुलरली। तो मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, कभी कभी होना चाहिए कि कंटिन्यूस होना चाहिए? ठीक उसी तरह से जैसे आपका दिल कभी कभी धड़कता है या हमेशा? इसका मतलब झूठ बोलते हैं वो लोग जो लोग अपना बाबू को मैसेज करते, बाबू मेरा दिल किसके लिए धड़क रहा तुम्हारे। आपको अगर पता होगा थोड़ा बहुत, अगर साइंस आप जानते होंगे तो आपको पता होगा, एक बेबी का जब फॉर्मेशन होता है इंसान के बॉडी में, इंसान के शरीर में जब एक बच्चा का फॉर्मेशन होता है तो उसका सबसे पहले क्या बनता है, हार्ट बीट। क्या मतलब बताइए, हार्ट बीट। लेकिन सोचिए कितना झूठ बोलते हैं आपका हार्ट बीट बहुत पहले बन चुका है, लेकिन आप क्या बोलते हैं, माय हार्ट इज बीटिंग फॉर यू। लड़का बोलता है ना निपलो, आप लोग नहीं बोलते होंगे, आप लोग अच्छे बच्चे हो, नहीं बोलने वाले भी बोलते हैं, आपका दोस्त यार में ही बोलता होगा निपलो, कभी आपसे चैट करके देखिए क्लियर है गाइस। तो इस सब बात को नहीं बोलना है, क्योंकि देखिए जो बच्चा लोग मैनेजमेंट पढ़ा है उसको पता है कि सब बकरोल वाला बात कर रहा है। कंटिन्यूस एक्टिविटी, कैसा एक्टिविटी बाबू, कंटिन्यूस। उसके बाद बाबू सुनो ना, हेलो, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। हेलो सुनो, मैनेजमेंट कैसा एक्टिविटी है, ग्रुप। मैनेजमेंट अकेले नहीं होगा, मैंने मैनेजमेंट अकेलापन में नहीं होगा। सपोज आप लोग में से कोई बच्चा ट्यूशन में नहीं आता, तो आप लोग अगर कोई आते ही नहीं तो मैनेज किसको करते? तो मैनेजमेंट आपसे पूछता है कि मैनेजमेंट कैसा एक्टिविटी है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। व्हाई इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, बिकॉज इट इज डन विद द हेल्प ऑफ पीपल। बहुत सारे लोग मिलकर के बिजनेस को चलाते हैं, इसीलिए मैनेजमेंट को कैसा एक्टिविटी बोलते बाबू, ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट कैन नॉट बी डन अलोन, मैनेजमेंट आप अकेले नहीं कर सकते, अकेलेपन में मैनेजमेंट नहीं होता। अकेले बैठ गए ना का बस खड़ा हो गए, उठो ना बाबू, बैठो ना बाबू, क्या हुआ बाबू? ओ देखते रहे आप, टिकटॉक चलाते हैं, रील्स चलाते हैं, उसमें क्या होता है, उस सब दुनिया में होता है। रियल लाइफ में मैनेजमेंट करने के लिए यू नीड सम पीपल। मैनेजमेंट करने के लिए आपको किसका जरूरत पड़ता है, लोगों का जरूरत पड़ता है। बिना लोगों के मैनेजमेंट नहीं है। अगर अच्छे लोग रहेंगे तभी बिजनेस चलेगा, लोग नहीं रहेंगे तो बिजनेस नहीं चलेगा। तो मैनेजमेंट बताइए कैसा एक्टिविटी है, अलोन होता है ना ग्रुप में होता है? बोलो ना, मैनेजमेंट अकेले करोगे ना कुछ लोग चाहिए? बोलो ना, अकेले होगा कि ग्रुप में ले चाहिए? ग्रुप की अलग, सिंगल की डबल। यहाँ पे लोगों का जरूरत होता है बिजनेस को चलाने के लिए, बिना लोगों का आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते। क्लियर है गाइस? पांच पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 6 देखिए क्या है।
कुछ इतना नोट से ही आपको पॉइंट लिखवा रहे, तो आप पॉइंट लिख मत लेना, बार बार ये बात रिपीट कर रहे हैं। अगला पॉइंट है बाबू, कितना पॉइंट हो गया, चलो चार पांच। अगला पॉइंट है मैनेजमेंट इज अ डायनामिक प्रोसेस। देखो भाई डायनामिक प्रोसेस सुनो ना, हेलो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनामिक प्रोसेस गाइस। डायनामिक का मतलब होता है एवर चेंजिंग, जो वक्त के साथ समय के साथ सिचुएशन के साथ बदलता है उसको डायनामिक बोलते हैं। अच्छा मैनेजमेंट वही होता है जो वक्त के साथ चेंज हो। डायनामिक का मतलब होता है चेंज होना। चेंज इज द ओनली चेंज इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में एक ही चीज चेंज होता है वो है चेंज खुद। देखिए रिजिडिटी इज डेथ, जो लोग रुके होते हैं जिनके जिंदगी में परिवर्तन नहीं होता है वो लोग मर जाते हैं। आपको वक्त के साथ समय के साथ अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर आप वक्त के साथ समय के साथ अपने आप को नहीं बदलेंगे तो आप मर जाएंगे। जैसे तालाब का पानी गंदा होता है, तालाब देखो तालाब देखो ना बाबू, तो तालाब का पानी कैसा होता है बताइए, गंदा होता है। क्यों बताइए, क्योंकि वो रुका हुआ होता है। तालाब का पानी गंदा इसलिए होता है क्योंकि वो रुका हुआ होता है। लोग आते हैं कचरा फेंकते आते हैं और उसको भरते आते हैं। जैसे आप देखते हो ना छठ पूजा होता है, कोई बड़ा ओकेशन होता है तो कितना साफ सफाई किया जाता है, उसमें वहां पे क्या लिखा रहता है कचरा फेंकना मना है, वहीं पे देखे कचरा फेंक दिया लोग, जा जाकर के कचरा फेंक दिया, फिर से उसका हालत वैसे बना देते हैं क्योंकि वो रुका हुआ चीज है ना। इसीलिए अगर ये नदी है, अब नदी में जाएंगे, नदी का पानी थोड़ा साफ होता है, इंडिया में थोड़ा साफ बोलते हैं, पूरा साफ नहीं बोलते, फॉरेन कंट्री में पानी में आईना का तरह है, चेहरा दिखेगा आपको, बट इंडिया में फिर भी थोड़ा साफ। तो नदी का पानी साफ होता है, क्यों साफ होता है बताइए, क्योंकि उसमें फ्लो होता है। याद रखिएगा अगर रुक जाएंगे तो मर जाएंगे। चेंज इज द ओनली चेंज इन दिस वर्ल्ड, दुनिया में एक ही चीज चेंज होता है वो चेंज खुद। नोकिया मोबाइल का नाम सुने आप लोग, नोकिया मोबाइल जो था ना एक जमाना में मार्केट का किंग हुआ करता था। अगर कोई लड़का रास्ता में नोकिया फोन लेके निकल गया पूरा एरिया का लड़की लोग बोलते थे वाओ मेरे दिल के धड़कन आओ, ऐसे एक्सप्रेशन करते थे पूरा एरिया के लोग कि लड़का के पास नोकिया है। अगर कोई लड़की का शादी ऐसा व्यक्ति से हो गया जिसके पास नोकिया का फोन है तो लड़की अपना पूरा फ्रेंड सर्कल में बताती रहती थी हमारे पति के पास नोकिया हुआ कबा नोकिया। सोचिए नोकिया एक जमाना में इतना पावरफुल था, और आज के जमाने में अगर नोकिया फोन लेके जाइएगा और किसी को प्रपोज करेगा तो रिजेक्ट कर देगी आपका प्रपोजल, कहे छी तुम नोकिया चलाते हो। क्या बदला पता है आपको, टाइम बदल गया। क्या बदल गया, वो टाइम। एक चीज हमेशा एक जैसा नहीं होता है। इंग्लिश में एक लाइन है नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होता। वक्त बदलेगा, टाइम बदलेगा, हर चीज चेंज होगा। और नोकिया का मार्केट भी वैसे ही हो गया। एक जमाना में हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे नोकिया मार्केट का किंग था, अभी आईफोन का नाम सुनते हम लोग, बट उस समय में नोकिया का ही नाम चलता था। उसके बाद क्या है, आज के डेट में क्या है, लोग आईफोन आईफोन करते, बट उस टाइम में नोकिया नोकिया ही चलता था पूरा बाजार में, आईफोन उसके दूर दूर तक नहीं था। सीन क्या हो गया बोले तो नोकिया अपने आप को ना बदल नहीं पाया, उस किसके हिसाब से, वक्त के हिसाब से। नोकिया कीपैड फोन बेचता था, कीपैड फोन नोकिया का बहुत पॉपुलर था, ऐसा फोन रहता था, ये फोन नहीं है भाई कोई कमेंट करके उन्होंने फोन नहीं, तो एग्जांपल दे रहे, नोकिया का फोन ऐसे रहता था भारी भर के तो फिर भी हल्का है, ऐसे मोटा रहता था, भारी रहता, किसी को मार दीजिएगा ना उसका माथा फट जाए, इतना भारी रहता था। तो कीपैड फोन का किंग था नोकिया, नहीं नोकिया एंड्रॉइड फोन में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया। एंड्रॉइड फोन मतलब स्क्रीन टच फोन हम लोग का, नोकिया को ऐसा लगा कि लोग स्क्रीन टच फोन चला नहीं पाएंगे। नोकिया अपने आप को चेंज नहीं किया, जब तक नोकिया अपने आप को चेंज किया तब तक नोकिया का मार्केट ऑलरेडी दूसरा आदमी लोग कैप्चर कर लिया। तो इसीलिए बिफोर इट्स टू लेट यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, इससे पहले कि आपका टाइम बहुत बदल जाएगा, आपका मार्केट खत्म हो जाएगा, आपको अपने आप को वक्त के साथ बदल लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं बदलोगे तो आप नहीं बचोगे। तो इसीलिए एक अच्छा मैनेजर वही होता है ना जो बिजनेस को डायनेमिक प्रोसेस से चलाए। डायनेमिक प्रोसेस मतलब चेंजिंग। आपसे पूछेगा मैनेजमेंट फिक्स है कि डायनेमिक है, आंसर क्या होगा, डायनेमिक मतलब चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द नीड, वक्त के साथ जरूरत के साथ ये चेंज होता है। कौन बाबू बताइए, मैनेजमेंट बोलो ना। तो बताइए मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, रिजिड या फिर डायनामिक, बोलो बोलो ना बाबू। ओके नेक्स्ट पॉइंट में आओ, अगला पॉइंट है इनटैंजिबल। अगला पॉइंट है इनटैंजिबल, दो पॉइंट और है। इनटैंजिबल का मतलब क्या होता है सुनिए भाई, छह पॉइंट होगा, एक दो तीन, एक दो तीन चार पांच, ठीक तो है, वो आगे पीछे टाइपिंग हो जाता है। सात नंबर क्या बाबू, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल समझते हो क्या होता है, आपको 11 में ही पढ़ाए थे। इंटेंजिबल का मतलब होता है जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप छू नहीं सकते, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। मैनेजमेंट को ना आप देखते हो ना आप छूते हो, बस आप क्या करते हो, महसूस, क्या करते हो बताओ, महसूस। इसीलिए मैनेजमेंट को इंटेंजिबल बोलते हैं। अगर एग्जाम में पूछेगा व्हाई मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, एक मार्क्स में, मैनेजमेंट इंटेंजिबल क्यों है, तो मैनेजमेंट इंटेंजिबल इसलिए है क्योंकि मैनेजमेंट को ना तो हम लोग देख सकते हैं ना तो हम लोग, बस हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस। जैसे आप क्लास में आए हो, बैठे हो, पढ़ रहे हो, चले जा रहे हो, तो ये आपको ये खुद में फील हो रहा है कि हाँ मैनेजमेंट अच्छा है। आप देखिए नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली आप क्या देखते हो, नॉर्मली देखो कि आपके 10-15 लोग में स्टूडेंट टीचर इरिटेट हो जाते, गुस्सा हो जाते,
बच्चे लोग बदमाशी को इधर अलग कर रहा, कोई 10-15 बच्चे क्लास में बैठा हुआ, टीचर इतना गुस्सा हो जा रहा है, स्टूडेंट को इधर बात कर रहा, कोई इधर बात कर रहा, कोई इधर मोबाइल चला, कोई इधर मोबाइल चला रहा। बट हम लोग देखिए इतना सारा बच्चों में भी क्लास को इंटीग्रेट करके रखे हो कि हम लोग का मैनेजमेंट मैनेजमेंट ऐसे ही होता है। क्यों बात समझे ना कि कोई भी बच्चा बदमाशी करेगा उसको भगा दीजिए, कोई सोचने की जरूरत नहीं कि नहीं स्टूडेंट चला जाएगा तो क्या होगा, मेरा पैसा लॉस होगा, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि हर चीज वो नहीं होता, मैनेजमेंट बोल के भी तो कुछ होता है। अगर मैनेजमेंट, एक मिनट, आप क्लास में आ रहे, आप पढ़ाई कर रहे, बगल वाला मान लीजिए अपना गाना सुन रहा है, फिर आपको भी डिस्टर्ब कर रहा, आपने भी डिस्टर्ब करा, तो फिर पढ़ाई का मजा ही नहीं आएगा, आप पढ़ोगे ही नहीं। तो मैनेजमेंट कहीं क्या होता है, मैनेजमेंट कहीं दिखेगा नहीं आपको, आपको खुद एक महसूस हो जाएगा। आप किसी किसी शादी बारी में खाना खाने के लिए जाते हो, आप देखते हो कि लाइन बाई लाइन सब आदमी खा रहा है, प्लेट उठा रहा, धीरे धीरे आदमी भी कम है, आराम से खा रहा है, खा पी के सब घर आ गए, व्यवस्था बहुत टाइट था, अच्छा था। वही अगर आप कोई शादी बारी में आते हो, देखते हो आप लाइन लगा के खड़ा है, आपका नंबर ही नहीं आ रहा, चिकन पकौड़ा लेने आ रहे, चिकन पकौड़ा खत्म, भेज खाना खाने आ रहे, भेज खत्म, जो खाने आ रहे, आप सोचिए चलो चिकन नहीं है तो दाल भात भुजिया खा लेते हैं, दाल भात भुजिया भी नहीं मिल रहा आपको, कुछ भी नहीं मिला, हाँ शादी में भी दाल भात भुजिया मिले, कुछ भी चोखा भी नहीं मिल रहा, तो आप क्या समझेंगे मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। बात समझे, मैनेजमेंट ऐसे ही चेक किया है, मैनेजमेंट आपको कोई दिखेगा नहीं, मैनेजमेंट में कोई रंग नहीं है, रूप नहीं है, आकार नहीं है, शेप नहीं है, साइज नहीं है। मैनेजमेंट इज फेल्ट बाय द परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट महसूस होता है किससे बाबू, परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट किससे महसूस होता है बताइए, परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट दिखेगा नहीं आपको। आप स्कूल में गए, देखिए स्कूल में बड़ा सिस्टम से अच्छा से पढ़ाई हो रहा, तब तो मेरा स्कूल का मैनेजमेंट अच्छा है। आप स्कूल में गए, देखिए स्कूल में पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा, खाली आदमी आ रहा धूमधाम WWE हो रहा, स्कूल में गए देखिए खाली WWE, एक टीचर फर्स्ट पीरियड में पढ़ा रहे, लास्ट पीरियड में पढ़ा रहे, बीच का पीरियड गायब है। आप समझ गए कि मैनेजमेंट इज नॉट गुड, ये क्या है। आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो वो स्कूल अच्छा है कि खराब है, अब ये हमको बताने का जरूरत नहीं है, वो आप खुद समझ गए हो, कहे हम तो कुछ नहीं बोल रहे, आपको खुद मैनेजमेंट समझ आ गया हो कि हाँ हम लोग स्कूल का मैनेजमेंट ठीक है, कुछ भी बच्चे देखे नहीं हम लोग स्कूल का मैनेजमेंट ठीक नहीं, ये कोई आपको बताया नहीं, आप खुद देख के समझ जाएंगे। कहे रेगुलर क्लास हो रहा है, टीचर बहुत एक्टिव है, एग्जाम ले रहे हैं, आपको डांट रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, होमवर्क चेक कर रहे हैं, देखिए कोई टीचर अच्छा पढ़ाते, कोई टीचर थोड़ा डाउन पढ़ाते, ये मैटर नहीं करता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी, रेगुलर कितने टीचर, सारे रेगुलर है, ठीक टाइम पे आ रहे, ठीक टाइम पे जा रहे, मतलब अच्छा स्कूल में पढ़ रहे हो। अगर आप स्कूल में लेकर गए हैं, बैठे हैं, आप उनकी निगाहों में हो, आपकी निगाहों टीचर को ध्यान ही नहीं, टीचर भी बेटा आपकी निगाहों, तो टीचर का पास इतना टाइम ही नहीं है, तो ऐसे पढ़ाई होगा, तो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, तो आपको ना खुद फील हो गया होगा कि आप अच्छे स्कूल में होगी खराब स्कूल में होगी। काहे बोला खराब स्कूल में, काहे मैनेजमेंट को दिखता नहीं है, महसूस करते, क्या करता है वो महसूस, मैनेजमेंट दिखता है। आप बंगाल बोर्ड का एग्जाम देने जाइएगा, स्कूल का जो एग्जाम आप दिए हो उसमें और बंगाल बोर्ड का एग्जाम में जमीन आसमान का अंदर आपको दिखेगा। बंगाल बोर्ड का एग्जाम हॉल में जाइएगा, देखिएगा कहीं एक तो परिंदा भी पढ़ नहीं मार पाता, इतना स्ट्रिक्ट गार्डिंग, वेस्ट बंगाल का यही तो अच्छा चीज है, एग्जाम बहुत अच्छा होता है, जाइएगा एकदम स्ट्रिक्ट गार्डिंग, टाइम पे एक 5 मिनट लेट करेगा एंट्री मिलेगा, पूरा एक एक रूम में 3-3 टीचर, 4-4 टीचर है, तो आप समझ गए मैनेजमेंट अच्छा है। तो मैनेजमेंट इज फेल्ड, मैनेजमेंट कैन नाइदर बी सीन नॉर बी टच, इट कैन ओनली बी फेल्ड, इसको बस महसूस कर सकते, क्या कर सकते हैं महसूस। अगला पॉइंट है बाबू, हेलो बात नहीं, कॉम्पोजिट प्रोसेस, बाबू बात मत करिए प्लीज, कॉम्पोजिट प्रोसेस, कॉम्पोजिट प्रोसेस का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट को हम लोग प्रोसेस बोलते हैं, प्रोसेस का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप कोई चीज को करना। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है बाबू, अगले दिन और डिटेल में आपको पढ़ाएंगे 5 फंक्शन, अभी शॉर्ट में बता रहे हैं मैनेजमेंट के कितने फंक्शन है बताइए, 5, पांचों का नाम बोलना ही पड़ेगा नहीं तो होगा नहीं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, क्या नाम बोलो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, क्या नाम बोलो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, बोलो ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, बोलिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट अचानक से नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, पहले क्या होगा प्लानिंग, फिर क्या होगा ऑर्गेनाइजिंग, फिर क्या होगा डायरेक्टिंग, फिर क्या होगा स्टाफिंग, मतलब स्टाफिंग पहले होता है फिर डायरेक्टिंग होता है, स्टाफिंग मतलब वर्कर को चुनिंग में फिर उसको गाइड करते हैं, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और क्या बाबू कंट्रोलिंग, ये स्टेप बाय स्टेप होना ना, तो स्टेप बाय स्टेप ये काम होता है, मैनेजमेंट अचानक से नहीं होता है, मैनेजमेंट स्टेप बाय स्टेप होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस, क्या होता है बाबू प्रोसेस। व्हाई इट इज प्रोसेस, इट इज प्रोसेस बिकॉज इट इन्वॉल्व सीरीज ऑफ एक्शंस, इसमें बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप काम होते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू प्रोसेस, क्या बोलते हैं बोलो, बोलो ना। तो बताइए मैनेजमेंट प्रोसेस क्यों है, मैनेजमेंट प्रोसेस इसलिए है बिकॉज इट इज अ सीरीज ऑफ एक्शन, इसमें स्टेप बाय स्टेप काम होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू प्रोसेस। और लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, कॉन्सेप्ट नंबर 9, वो है ये इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में बैलेंस मेंटेन करता है, इट मेंटेन द बैलेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड क्या बाबू एफिशिएंसी, ये इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में
बैलेंस मेंटेन करता है, क्या करता है वो बताइए, बैलेंस मेंटेन करता है। देखिए एफिशिएंट में और इफेक्टिव में क्या क्या अंतर होता है। इफेक्टिव का मतलब होता है डूइंग राइट थिंग्स, आप कोई काम सही तरीका से सही काम कर रहे हो, डूइंग राइट थिंग्स, सही काम कर रहे हो मतलब आप इफेक्टिव हो और काम को सही ढंग से कर रहे हो, डूइंग थिंग्स राइटली, इसका मतलब आप एफिशिएंट हो। दोनों में डिफरेंस समझिए। देखिए इफेक्टिव में मैनेजमेंट क्या करता है, इफेक्टिव में और एफिशिएंट में बैलेंस मेंटेन करता है। अब ये इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, एफिशिएंट का मतलब क्या है, देखो इफेक्टिव का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट व्हेन डूइंग राइट थिंग्स, आप कोई काम कर रहे हैं चल रहा तो चल रहा, यह है इफेक्टिव। और एफिशिएंट का मतलब होता है काम को अच्छा ढंग से करना, सही तरीका से करना। जैसे आपको हम एग्जांपल देते हैं आप समझ जाएंगे, आप क्लास में बैठे हैं एकदम शिद्दत से अपना बेस्ट 100% देके आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो आप इफेक्टिव भी हैं और आप एफिशिएंट भी हैं, मतलब आप काम को अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा ढंग से भी कर रहे हैं। इफेक्टिव है लेकिन एफिशिएंट नहीं, ऐसा कब हो, आप क्लास में बैठे हैं फिजिकली, आप क्लास में हो, फिजिकली मतलब क्लास में बैठे हो, मैं तो देख रहे हो चुपचाप से, लेकिन सोच कुछ और रहे हो, सोच किसी और के बारे में रहे हो, इसका मतलब आप इफेक्टिव तो है लेकिन आप एफिशिएंट नहीं। जैसे बच्चे लोग घर में पढ़ाई करो, घर में पढ़ाई करो, बुक खोलिए, ऊपर में कैशबुक नीचे में फेसबुक, ऊपर में कैशबुक नीचे में फेसबुक। अभी मम्मी पापा जब घर में आए पढ़ाई कर रहा बोला दूसरे पढ़ाई कर रहा, क्या पढ़ाई कर रहा उसी को बताओ, जब मम्मी पापा भैया दीदी अरे खूब पढ़ रहा अच्छा मारे तैयारी कर, 3 बजे आज जाके पढ़ाई कर रहा, उनको क्या पता कि किताब के अंदर से बत्ती जल रहा, बात समझे। ऊपर में कौन सा, आप तो खैर तो गार्जियन लोग भी सब समझदार हो गए, ऐसा बात नहीं, ये जो बात आपको दे रही है 2-3 साल पहले का कहानी है, अब तो गार्जियन लोग भी समझ गए कि भाई मोबाइल चला रहा फेसबुक है, अब तो मम्मी पापा लोग भी फेसबुक चलाने लगे। सीन क्या है समझिए, इफेक्टिव और एफिशिएंट में क्या फर्क होता है, यही फर्क, इफेक्टिव मतलब कोई काम करना, एफिशिएंट मतलब अच्छे से करना। क्लास में बैठे हो, क्लास में सुन रहे हो, मान लीजिए आप पीछे बैठे हो, अब मान लीजिए हो सकता है कि आपका तरफ मेरा नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप चुपचाप से बैठ के बाबू को दिल रिएक्ट कर रहे, इधर से बाबू आपको दिल रिएक्ट कर रहा और आप मेरे तरफ देख के मुस्कुरा रहे, इसका मतलब क्या, हमको ये लगे कि बच्चा मेरा बात को सुन रहा अच्छा से। हर मुस्कुराहट मोहब्बत नहीं होता, ये बात को समझ के रखें। आदमी क्या करता है, आदमी को ऐसा लगता है कोई समवन इज स्माइलिंग डज नॉट मीन कि उसका बिहेवियर भी वैसे ही, आप मुस्कुरा रहे कुछ और सोच के, हमको लग रहा है कि आपको आपको पढ़ाई अच्छा से समझ आ रहा है इसलिए आप मुस्कुरा रहे, मतलब आप इफेक्टिव तो है लेकिन एफिशिएंट नहीं, याद रखिएगा। इफेक्टिव मतलब बस दुनिया की नजरों में आप काम कर रहे हो तो कर रहे हो, एफिशिएंट मतलब अच्छे से कर रहे हो, शिद्दत से कर रहे हो, जी जान लगा के कर रहे हो, तो इफेक्टिव मतलब डूइंग राइट थिंग्स और एफिशिएंट मतलब डूइंग थिंग्स राइटली, यस और नो गाइस। तो इस तरह से ये पहला टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम आपसे एक बार रिकैप करा देते हैं, रिकैप क्या करा देते हैं बाबू, रिकैप आप हमको बता दीजिए उसके बाद बात होगा। रेडी गाइस, देखो कोचिंग का बुक में सब लिखा हुआ था, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बुक नहीं था आज, नेट काम नहीं कर रहा था इसलिए आपको हम स्क्रीन पे लिख के दिखा दिए, बार बार बोलना पड़ रहा नहीं तो फिर बच्चे लोग बोलेंगे पीडीएफ भेजिए पीडीएफ भेजिए। देखिए मैनेजमेंट का पापा कितना है, एक की दो, बोलो ना ओ बेटा, पापा वाला लाइन हट गया लग रहा है, एक की दो। अच्छा मैं भी मतलब बिजनेस को बनाना कि चलाना, बनाना कि चलाना, बोलो यस। और मैनेजमेंट के कितने पापा है, बोलिए। अच्छा नॉर्मल पापा का नाम क्या है, एक्सीलेंट है, साइंस वाला पापा का, बोलो क्या बात है। दोनों का चेहरा, दोनों का फोटो आपको अगला दिन दिखाएंगे, फोटो देखने के लिए अगला दिन आना। अच्छा इधर देखो, मैनेजमेंट का गोल होता है कि नहीं होता है, गोल होगा कि नहीं होगा, हाँ कि नहीं, यस और नो, राइट कि रॉन्ग, ओके। मैनेजमेंट कहीं कहीं पाया जाता है कि हर जगह, कोई ऐसा जगह जहां मैनेजमेंट वैसा जगह, वेरी गुड। मैनेजमेंट का एक ही काम है ना, बहुत सारा, इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशन, मल्टी मैनेजमेंट कभी कभी होता है ना हमेशा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कंटिन्यूस। मैनेजमेंट अकेले होगा ना ग्रुप में, क्या बात है। मैनेजमेंट रिजिड फिक्स है ना डायनामिक है, चेंज होता है, होता है, होता है, होता है। ओके मैनेजमेंट को देख सकते हो क्या, नहीं नहीं छू सकते हो क्या, नहीं। तो क्या कर सकते हो, महसूस, क्या कर सकते हो, महसूस। उसके बाद मैनेजमेंट में एक ही स्टेप है ना, बहुत सारा काम है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शन है। एक्चुअली आपको बताई दे, ये 5 फंक्शन है मैनेजमेंट का, जिसको हेनरी फ्यूल ने दिया था। आपसे एग्जाम में पूछता है कि हाउ मेनी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, आंसर क्या होगा, बोलो ना मैनेजमेंट का कितना फंक्शन है। और खुशी का बात यह है, इसका मतलब खुशी का बात यह है कि ये 5 चैप्टर का नाम है आपका अलग अलग,
प्लानिंग एक चैप्टर है, ऑर्गेनाइजिंग एक चैप्टर है, डायरेक्टिंग एक चैप्टर है, स्टार्टिंग स्टाफिंग एक चैप्टर है, कंट्रोलिंग एक चैप्टर है। जल्दी बताइए मैनेजमेंट के फंक्शन कितने हैं? फंक्शन फाइव ही कोई सही इंग्लिश है, या तो पांच बोलिए या तो फाइव बोलिए, आप बोले फाइव, कोई बच्चा बोला फाइव, कैसा इंग्लिश है बेटा? ना इंग्लिश बोल रहे हो ना ऐसे बोल रहे हो, इंग्लिश बोल रहे हो। जल्दी बोलो हाउ मेनी फंक्शन, फिर बोलो या तो हिंदी बोलो, कोई मेन क्या हो जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा इतने सारे बच्चे हो, कोई हिंदी बोल रहे हो कोई इंग्लिश बोल रहे हो, तो सुनाई दे रहा फाइव मिक्स हो जा रहा। तेरे बताइए फाइव हाउ मेनी फंक्शन, एक दो तीन चार पांच, ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में बताइए फंक्शन कितने, चार पांच छह, पांच की छह की पांच, पांच की चार, चार की पांच, पांच फंक्शन, हाउ मेनी फंक्शन पांच, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग स्टाफिंग कंट्रोलिंग, बोलो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग स्टाफिंग कंट्रोलिंग, हाउ मेनी फंक्शन है मैनेजमेंट, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग स्टाफिंग कंट्रोलिंग, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं कंपोजिट प्रोसेस। और लास्ट पॉइंट पढ़ाए थे इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में क्या फर्क है, कोई काम को सही से कर रहे हो, सही काम कर रहे हो ये इफेक्टिव नहीं, और काम को सही ढंग से कर रहे हो ये एफिशिएंसी। Thank you so much. Thank you so much.